Hey guys, welcome back to my channel. मैं अर्पिता, तुम लोग देख रहे हो मेरा चैनल अर्पिता लव्स वाटर कलर। आज तुम लोग के लिए एक खूबसूरत सा लैंडस्केप में लेकर आई हूँ, तो वीडियो को देखो और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। यहाँ पर अल्ट्रामैरीन ब्लू और सेरुलियन ब्लू को मिला के ये कलर बनाया है और ये अप्लाई कर रही हूँ देखो। और ब्रश को लास्ट में थोड़ा सा वाटर में धो के हल्का करके कलर को फिर थोड़ा सा रब कर रही हूँ। ये ऑलिव ग्रीन है, सैप ग्रीन और येलो ओकर को मिला के ये कलर मैंने बनाया है। अभी इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ और ध्यान रखना कि पानी ज़्यादा हो। चट्टान जैसे पहाड़ जो होते हैं ना, ये पहाड़ वही है। ब्रांड अंबर जो कलर होता है वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि कलर एकदम से हल्का हो, जैसे मतलब पानी ज़्यादा हो और कलर एकदम कम हो। ये सूखने के बाद एकदम हल्का हो जाएगा। ध्यान रखना कि कलर भीगा हो तो ही अच्छे से मिक्स्ड होगा। पिरिडियन ह्यू, अल्ट्रामैरीन ब्लू, सैप ग्रीन, ये तीनों कलर को मिला के ये डार्क कलर मैंने बनाया है। देखो यहाँ पर शैडो पोर्शन है तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क मैंने किया है। और देखो जहाँ जहाँ पे आपको येलो कलर दिख रहा है ना, वो ब्रांड अंबर ही है। ओके, अभी हम फर्स्ट टोन कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रांड अंबर के ऊपर यह सैप ग्रीन से थोड़ा थोड़ा इफेक्ट मैंने दिया है। देखो सेम प्रोसेस करते हुए और कलर को मिक्स्ड करते हुए मैंने ये यहाँ पर जो चट्टान जैसी पहाड़ है उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी फर्स्ट टोन। तो इसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट टोन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखो कलर और भी डार्क हो चुका है क्योंकि मैंने ऑलिव ग्रीन के साथ थोड़ा सा अल्ट्रामैरीन ब्लू को मिला के कलर को और ज़्यादा डार्क कर लिया है। और यहाँ पर देखो नीचे की तरफ आते हुए कलर ब्रश को थोड़ा सा मैंने पानी में भिगा के थोड़ा सा हल्का कर दिया है कलर को। फिर से यहाँ पर ब्रांड नंबर में यूज़ कर रही हूँ। फिर से मैं यहाँ पर डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ देखो। और यहाँ पर जहाँ पर लाइट पोर्शन है वहाँ पर मैं ब्रांड अंबर देके थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दे रही हूँ। देखो धीरे धीरे करके इफेक्ट दे रही हूँ और वो इफेक्ट वही उसका लुक अलग हो जाएगा, जैसे चट्टान जैसे जो पहाड़ है उसका लुक धीरे धीरे आ जाएगा। इफेक्ट देने के लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सैप ग्रीन में देखो यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं ऑलिव ग्रीन भी थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई किया है। और यहाँ पर डार्क पोर्शन है तो यहाँ पर मैंने और भी डार्क कलर यूज़ करूँगी, थोड़ा सा अल्ट्रामैरीन ब्लू और इसके साथ मिक्स कर दूँगी और कलर को और डार्क बना लूँगी। ध्यान से देखना है क्योंकि ये देखने से ही अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कलर को कैसे यूज़ कर रही हूँ। फिर से ब्रांड नंबर में यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो धीरे धीरे करके ब्रांड नंबर के साथ ग्रीन को मिला के इफेक्ट दे रही हूँ। अल्ट्रामैरीन ब्लू और सैप ग्रीन को मिला के ये डार्क कलर बनाया है। और जहाँ पर डार्क कलर होगा वहाँ पर पानी कम देना है और कलर ज़्यादा देना है। यहाँ पर ब्रांड अंबर के साथ देखो इफेक्ट दे रही हूँ और साथ में उसको मिक्स कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। देखो कैसे मैं इफेक्ट दे रही हूँ, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझना होगा, देखना होगा कि कलर में कैसे कर रही हूँ। लेकिन आप लोग अगर अच्छे से नहीं देखोगे ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कलर में कैसे कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ऑलिव ग्रीन के साथ अल्ट्रामैरीन ब्लू को मिला के थोड़ा सा डार्क कलर बनाया है और वही मैं अप्लाई कर रही हूँ। डार्क कलर के साथ साथ सैप ग्रीन भी देखो, सैप ग्रीन भी मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा पानी ज़्यादा देके ताकि कलर हल्का हो जाए। देखो ऊपर की तरफ थोड़ा सा डार्क है और नीचे की तरफ जहाँ पर मैं सैप ग्रीन दिया है वहाँ पर थोड़ा सा हल्का है। और फिर से मैं वही इफेक्ट देते हुए नीचे की तरफ आ रही हूँ।
ऐसे ही इफेक्ट देते हुए ये चट्टान जैसी पहाड़ मैं कंप्लीट कर लूँगी। ब्रांड सैना और अल्ट्रामैन ब्लू को मिला के एकदम से पतला करके हल्का करके देखो, मैं पानी को थोड़ा सा कलर दे रही हूँ और इसके साथ सैपग्रीन मिला रही हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा येलो ऑकर भी मिला दूँगी। जब हम लोग फर्स्ट टर्न कर रहे थे तो ये वाला पोर्शन हम लोग का मिस हो गया, वो मैं दिखा नहीं पाई, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक अलग सा वीडियो बनाया है यहाँ पर क्या क्या कलर मैंने यूज किया है वो दिखाने के लिए। तो आप लोग एक बार अच्छे से समझ ले कि यहाँ पर मैंने क्या क्या कलर मैंने यूज किया है। देखिए यहाँ पर मैंने अल्ट्रामैन ब्लू दिया है थोड़ा सा, यहाँ पर अल्ट्रामैन ब्लू और उसके साथ यहाँ पर जो कलर मैंने दिया था वहां पर थोड़ा सा सैपग्रीन के साथ थोड़ा सा अल्ट्रामैन ब्लू मिला के यहाँ पर दिया है। और ध्यान रखना कि कलर एकदम से पतला हो, पानी ज्यादा हो ताकि ये सूख ना जाए। और उसके साथ ये नीचे में आते हुए यहाँ पर थोड़ा सा सैपग्रीन मैंने दिया है, यहाँ पर येलो ऑकर मैंने मिलाया है और ये कलर मिलाते हुए मैंने नीचे की तरफ आते हुए इस पोर्शन में मैंने ब्रांड साइना के साथ थोड़ा सा अल्ट्रामैन ब्लू को मिला के ये कलर बनाया है, यहाँ पर पतला करके दे दिया और यहाँ पर नीचे में यहाँ पर येलो ऑकर थोड़ा सा ऐड किया है यहाँ पर। और साथ में ये जो येलो के बीच बीच में जो एक कलर है वो यही कलर है अल्ट्रामैन ब्लू के साथ थोड़ा सा ब्रांड साइना मिला के जो कलर मैंने मिलाया मिक्स किया था वो कलर बनाया था वो वाला कलर मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दे दिया है यहाँ पर ताकि वो जो सैंड का जो इफेक्ट आता है वो सैंड का इफेक्ट यहाँ पर आ जाए। क्रिम्सन लेक देके और थोड़ा सा अल्ट्रामैन ब्लू देके इसको कलर मैंने थोड़ा थोड़ा करके कर दिया है ताकि इफेक्ट आ जाए। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है, इसको एकदम से हल्का रखना है, पतला रखना है, कलर को एकदम से लाइट रखो। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये वाला पोर्शन किया है जो मैंने वीडियो में दिखाया है। ओके, सैप ग्रीन यहाँ पर यूज किया है, देखो थोड़ा थोड़ा करके इफेक्ट दे रही हूँ। और जो डार्क कलर यूज किया है वो थोड़ा सा अल्ट्रामैन ब्लू को मिला के ये डार्क कलर बनाया है। और थोड़ा सा डार्क करने के लिए सैप ग्रीन के साथ अल्ट्रामैन ब्लू और ब्रांड साइना थोड़ा सा मिला दिया है ताकि थोड़ा सा और डार्क हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा करके इफेक्ट देना है, देखो उसके साथ मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, मतलब ब्रश को वाटर में थोड़ा सा भिगा के हल्का करके फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर भी सेम मैं प्रोसेस यूज़ करूँगी, सैप क्रीम मिला दिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इफेक्ट दे रही हूँ। को मिलाते हुए यहाँ पर अल्ट्रामैन ब्लू के साथ सैप क्रीम को मिला के एक थोड़ा सा डार्क, देखो एक डार्क इफेक्ट आ रहा है ना, इसको पतला करके उसको मिक्स करना है और यहाँ पर येलो ऑकर को मिक्स करना है इसके साथ। और यहाँ पर डार्क कलर मैंने यूज़ किया है, देखो अब थोड़ा सा मैं और डार्क करूँगी इस साइड को, देखो थोड़ा सा डार्क करते हुए और फिर कलर को थोड़ा सा पतला कर लिया, मतलब थोड़ा सा पानी मिला लिया और उसको एकदम से मिक्स कर दिया येलो ऑकर के साथ। अभी और थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करूँगी, साइना और अल्ट्रामैन ब्लू के साथ एक कलर मैंने मिक्स किया था और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ और उसके साथ पानी देखो मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं रॉ अंबर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो ब्रांड साइना के साथ थोड़ा सा अल्ट्रामैन ब्लू को मिला के, मतलब
इस जो कलर यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर ब्रांड साइन ना थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। नहीं तो आप रोम्बर भी यूज़ कर सकते हैं। देखो पानी का इफ़ेक्ट ऐसे ही देना होगा थोड़ा थोड़ा करके, और ब्रास ज़ीरो या वन हो तो ही अच्छा है, ज़्यादा डर्ट नहीं बनाना है। ये समझ के करना है कि कहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर्ट चाहिए, कहाँ पर लाइट पोर्शन चाहिए। देखो कलर मैंने दिया है लेकिन बहुत ज़्यादा डर्ट मैंने नहीं किया है, यहाँ पर वाटर ज़्यादा दिया है और कलर कम दिया है। ब्रांड साइना और अल्टरमैन ब्लू को मिला के ये डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ, देखो, और कहीं कहीं पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसका इफ़ेक्ट आ जाए। ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा करके जस्ट इफ़ेक्ट आ जाए, वो समझ में आ जाए, ऐसे ही करना होता है वाटर कलर में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा पेंटिंग में लेकर आती हूँ, और बहुत सारा पेंटिंग आने वाला है, खूबसूरत सा पेंटिंग, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेलिंग मुझे चाहिए, थोड़ा सा और इफ़ेक्ट चाहिए, तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट दे रही हूँ यहाँ पर अल्टरमैन ब्लू के साथ, थोड़ा सा सैप ग्रीन और थोड़ा सा वीडियन ह्यू को मिला के एक डार्क कलर बनाया, थोड़ा सा इफ़ेक्ट मैंने दे दिया है। पानी का इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, देखो पानी का इफ़ेक्ट मैंने दे दिया है, थोड़ा सा और इफ़ेक्ट मैं ऐड करूँगी यहाँ पर। वीडियन ह्यू, सैप ग्रीन, अल्टरमैन ब्लू और ब्रांड साइना को मिला के एक डार्क कलर बनाया जो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। अब उसके साथ मैं थोड़ा सा ग्रीन भी अप्लाई करूँगी, लाइट वाला ग्रीन, वो भी मैं बताऊँगी, कोई टेंशन मत करो। कलर सूखना नहीं चाहिए, जब ये भीगा रहेगा तभी लाइट ग्रीन के साथ डीप ग्रीन को ऐड करना है, मतलब डीप ग्रीन के साथ लाइट ग्रीन, सैप ग्रीन और लाइट ग्रीन को मिला के जो एक लाइट ग्रीन बनाए हैं वो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ, देखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे अच्छा अच्छा पेंटिंग में लेकर आती हूँ तुम लोगों के लिए, और इसके बाद भी अच्छा अच्छा पेंटिंग मेरा रेडी है, वो एडिटिंग करना बाकी है अभी, और वो भी मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। Thank you so much.